सो अप टू नाउ जो हमने किया है वो क्या है कि अगर मैं फोर्स्ट मैकेनिकल ऑसलेटर की बात करूँ तो फोर्स एफ नॉट एक्सपोनशल एट ओमेगा डिस्प्लेसमेंट और ये डिसप्लेसमेंट एम्प्लीड एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम और ये इसका फेज डिस्प्लेसमेंट का ये एम्प्लीड और ये फेज वेलोसिटी की बात की वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी का फेज एक्सीलेशन की बात की एक्सीेशन का एम्पलीट्यूड एक्सेलेशन एम्पलीट्यूड एंड दिस इज फेज ऑफ द एक्सेलेशन एफ नॉट बाय उमेगा जेडम डिस्प्लेसमेंट के लिए उमेगा नहीं रहा एफ नॉट बाय जेडम ही रह गया किसके लिए वेलोसिटी के लिए मैं एम्पलीट्यूड्स की बातें कर रहा हूं और एक्सेलेशन की बात कीजिए तो एफ नॉट बाईगा माइनस वन सेडम सिमिलरली अगर मैं फोर्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए बात करता हूं तो जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए बात की वैसे मैं चार्ज के लिए बात करूंगा यहां ई नॉट बाईगा जेड ई आ जाएगा अगर मैं करंट की बात करूं तो ये वेलोसिटी टाइप होगा यहां e नॉट बाई जेड ई आ जाएगा अगर मैं डी एक्सेलेशन के इक्वलेंट होगा यहाँ f नॉट है यहां e नॉट हो जाएगा मेगा माइनस वन जेड एम की बजाय जेड ई हो जाएगा तो अगर मैं बात फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर और फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात करूं तो एक जैसी हैं। हाँ ये जरूर बात है कि अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्टली करंट ना करके हम आर आई फेजर मतलब वोल्टेज अक्रॉस एजिस्टेंस इसकी बात करते हैं आप एक्सोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग डीएबलिटी की बात कर रहे हो हम डीएबिटी की बजाय एल डी एबिलिटी की बात करते हैं तो दट इज वोल्टेज फेजर अक्रॉस इंडक्टर और अगर सिर्फ मैं डीएबलिटी की बात करूँ जैसे आपने एक्सेलेशन की बात की एफ नॉट ओमेगा माइनस जेड एम वैसे आप करेंगे ई नॉट एवर बाई ओमेगा माइनस में जेड ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिल्कुल वैसे ही है हाँ आप अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करते हैं तो एल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो एल से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये बन जाएगा क्या द द्लीट्यूट ऑफ वोल्टेज फेजर अक्रॉस इंडक्टर और यह बन जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सोलेशन और हम इन एम्पलीट्यूड्स के वेरिएशंस की अब बातें करेंगे ना एक्सोलेशन की अगर बात की जाए मैंने कह दिया कि एफ नॉट ओमेगा माइनस जेड एम ये इसका एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड की बात हम कह चुके हैं और वोल्टेज फेजर अक्रॉस इंडक्टर की बात की जाए तो उसका एम्पलीट्यूड भी लिख दिया हम इनके वेरिएशन की बात कर रहे हैं किसके साथ विद द ओमेगा ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स तो इसके साथ हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं बट ओमेगा वाले फैक्टर्स जो हैं वो हैं फोर्स मैकेनिकल ऑसोलेटर के ओमेगा माइनस वन और इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर के लिए ओमेगा माइनस वन बाकी देखिए ई नॉट एल एफ नॉट ये कॉन्सटेंट्स हैं तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन की बात करेंगे तो जो फैक्टर्स मुझे चाहिए वो कौन से ओमेगा माइनस वन एम और ओमेगा माइनस वन जेडी एम और जेडी क्यों बिकॉज इनमें ओमेगास इन्वॉल्ड हैं अगर इसमें नहीं होते तो मैं सिर्फ इनको भी छोड़ देता कॉन्सटेंट की तरह ट्वीट कर लेता लेकिन इनमें ओमेगास इन्वॉल्ड हैं जेड एम में आपके पास क्या है आर स्क्वेयर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाईमेगा स्क्यर अंडर रूट और जेड ई में क्या है कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी स्क्वायर होल अंडर रूट तो ओमेगा इन in में इन्वॉल्व है इसीलिए आप ऐसी डिस्कशन की बात कर रहे हैं अब अगर मैं कहूं कि मुझे ओमेगा माइनस जेड एम चाहिए तो ओमेगा माइनस वन जेड एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओमेगा माइनस वन जेड एम की पूरी वैल्यू हमने यहाँ सब शूट कर दी लेकिन ओमेगा माइनस वन जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो इसके स्क्वायर मतलब ओमेगा माइनस वन का स्क्वायर दैट इज ओमेगा माइनस टू इस फॉर्म में जाएगा ये हमने पहले भी किया था जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो उसमें एफ नॉट बाय ओमेगा जेड एम था तो यहाँ हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था और ओमेगा स्क्वायर अंदर गया था अब हम ओमेगा माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर क्या जाएगा ओमेगा माइनस टू जाएगा तो आप जब ओमेगा माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ आर स्क्र के साथ, साथ। क्यों क्योंकि ओमेगा माइनस वन ओमेगा माइनस टू की टर्म्स में जा रहा है तो ओमेगा माइनस टू आर स्क्वेयर और ओमेगा माइनस वन यहाँ भी ओमेगा माइनस टू और ये टर्म एज इट इज ये भी स्क्वायर टाइप है ये भी स्क्यर टाइप है ये माइनस वन है बात माइनस वन का स्क्वायर है राधा तो ये जब अंदर जाएगा तो ओमेगा माइनस वन की टर्म्स में जाएगा मेरा कहने का मतलब सीधा है कि हमारे पास क्या है हमारे पास है ओमेगा माइनस टू इनटू एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा स्क्वायर ये वाली जो टर्म है दिस टर्म तो जब ये अंदर जाएगा तो ये ओमेगा माइनस क्योंकि ये भी स्क्वायर है माइनस ओमेगा माइनस वन का स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो ओमेगा माइनस वन की तरह जाएगा तो ओमेगा माइनस वन एम ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस वन एस बाय ओमेगा ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे और ये ओमेगा माइनस वन नीचे जाके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एस बाय ओमेगा स्क्वायर मतलब तो बचेगा एम माइनस एस ओमेगा होल स्क्वायर तो वही चीज आपके पास देखिए एम माइनस एस बाईमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर और ये सारी टर्म हमने यहां रख दी यहाँ सब शूट कर दी तो एम्पलीट्यूड के लिए जो एक्सप्रेशन आपके पास आया एक्सोलेशन एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन बाय और इसमें अब हम ओमेगा के साथ वेरिएशन की बात करेंगे सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं तो वैसे देखो यहां ओमेगा माइनस वन जा, अंदर जाएगा तो ओमेगा माइनस टू ये फिर ओमेगा माइनस टू ये टर्म वैसे की वैसी और ये ओमेगा माइनस टू फिर अंदर जाएगा तो ओमेगा माइनस वन की टर्म्स में तो ये सिर्फ एल रह जाएगा और यहाँ वन बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ओमेगा माइनस वन अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ किया तो कारस्पोंडिंगली ये सामने सामने एनालिसिस इसी लिए रखें क्योंकि ये सेम टाइप के एनालिसिस हैं इसलिए मैंने पैरल इसको चला रखा है मेरा कहने का मतलब सीधा है कि अगर मैं एम्पलीट्यूड्स की बातें करूं तो अब ये वाला फैक्टर ओमेगा डिपेंडेंट है यहाँ ये वाला फैक्टर ठीक है ओमेगा डिपेंडेंट है मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए मैं पैरल एक्सप्रेशन लेके कर चलाऊँ अब फ्रिकेंसीज़ के साथ इनका वेरिएशन कैसे होता है दैट इज़ टू बी सीन तो जब आप बात करेंगे वेरी लो फ्रिक्वेंसीज वेरी लो फ्रिक्वेंसीज इज दैट मीन्स उमेगा दैट इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो ओमेगा जीरो को अप्रोच कर रहा है वेरी लो फ्रिक्वेंसी यहाँ क्या ओमेगा माइनस टू है ओमेगा माइनस टू इज वन बाय ओमेगा स्क्वायर तो ये भी वन ओमेगा स्क्वायर है ये भी एस बाय ओमेगा स्क्वायर मतलब डिविजन में ही है तो जब ओमेगा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ये भी इंफिनिटी को बिकॉज दिस इज उमेगा माइनस टू आर दैट मीन्स इट इज आर बाय ओमेगा स्क्वायर तो आपके पास ओमेगा जब जीरो को अप्रोच करेगा आर बाय ओमेगा स्क्वायर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एस ओमेगा स्क्वायर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये दोनों फैक्टर्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो एफ नॉट बाई इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा जीरो तो एक्सोल्यूशन एम्पलीट्यूड जीरो को अप्रोच करेगा उसी तरीके से यहां भी अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसलेट्रिकली बात करूँ तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा दैट इज ओमेगा अप्रोचिंग टूअर्ड जीरो तो ये आर स्क्वायर बाय ओमेगा टाइप है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा और वन बाय मेगा स्क्र सी ये भी इन्फिनी को अप्रोच कर जाएगा और जो वी एल फ्रेजर का जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो लो फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर अगर बात की जाए चाहे मैं मैकेनिकल ऑसिटर के लिए बात करूँ चाहे मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए बात करूँ ये एम्पलीट्यूड आपके पास जीरो को अप्रोच कर रहा है एट लो फ्रिक्वेंसीज हाँ एट ए टाइम आपको एक ही एनालिसिस पूछा जाएगा अब अगर मैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज की बात करूं ओमेगा अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी तो देखिए पहले वाला आर बाई ओमेगा स्क्वायर था ये आर बाई ओमेगा स्क्वायर है ये एस बाई ओमेगा स्क्वायर है ये जीरो को अप्रोच कर जाएंगे तो ये भी जीरो ये भी ज़ीरो ये, ये बचा एम एम का स्क्वायर उसकी पावर वन बाई टू दैट मीन सिंपली एम एम स्क्वायर रिशो वन बाई टू इज सिंपली एम तो आपके पास क्या बना एक्सोल्यूशन एम्पलिश्यूड दैट इज एफ नॉट बाय एम कब वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर और अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ये वाला फैक्टर आपके पास ज़ीरो के अप्रोच कर जाएगा ये वाला फैक्टर ज़ीरो के अप्रोच कर जाएगा एल स्क्वेयर का वन बाई टू दैट मीन सिंपली एल तो आपके पास ये एल रह जाएगा और ये एल और ये कैंसिल दैट मीन्स ई नॉट तो वी फेजर का जो है एम्प्ली नॉट के बराबर आ जाएगा एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज तो बिल्कुल पैल एनालिसिस आपके पास चला है और थर्ड केस आपके पास रेजोनेंस का होगा रेजोनेंस के लिए क्या होना पड़ेगा ये जो वैल्यू है चाहे अनुट सारा ले लो चाहे आप अंड्रूट के अंदर वाली टर्म ले लो फॉर एम्पलीट्यूड एक्सोलेशन एम्पलीट्यूड बी मैक्सिमम इसको मिनिमम होना पड़ेगा ठीक है उसी तरीके से यहां भी इसको मिनिमम होना पड़ेगा और आपको पता है मिनिमम के लिए क्या होता है फर्स्ट डेरेटिव जीरो होता है तो हम फर्स्ट डेरेटिव करेंगे ठीक है फर्स्ट डेरेटिव उमेगा स्क्वेयर आर सो आर स्क्वेयर ठीक है प्लस एम माइनस एस ओमेगा उगाक्वेयर का स्क्वेयर इसका डेरेटिव विद ओमेगा क्योंकि हम वेरिएशन किसके साथ देख रहे हैं ओमेगा के साथ और ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो सबसे पहले ओमेगा माइनस टू का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्या आएगा पावर आगे पावर में से कम तो माइनस टू आगे ठीक है और माइनस टू में एक और कम दैट मीन्स माइनस थ्री ये आ जाएगा आर इट इज प्लस फिर देखिए ये इस वाली टर्म में पावर आगे टू आगे टू माइनस वन दैट मीन्स वन ठीक है पावर आगे एज इट इज पावर में से कम फिर इसका डेरेटिव एम का डेरेटिव जीरो हो जाएगा माइनस इस एज इट इज और ये वन बाय ओमेगा स्क्वायर दैट मीन ओमेगा रिसो माइनस टू ही है तो इसका डरेटिव आपके पास क्या हो जाएगा माइनस टू ओमेगा माइनस थ्री बिल्कुल वैसे अब ये जो दो टर्म्स हैं माइनस टू ओमेगा रिसो माइनस थ्री माइनस टू ओमेगा रिसो माइनस थ्री ये क्या आ जाएंगे ये आ जाएंगे कॉमन ये देखिए कॉमन निकाल लिया यहां से बचा आर स्क और यहां से टू एस तो माइनस टू ठीक है ये एस और ये टू और ये नेगेटिव माइनस टू एस और एम माइनस एस ओमेगा स्क्वायर वो एस एट एस ठीक है एंड होल इक्वल टू तो जीरो अब ये वाली टर्म जीरो हो नहीं सकती ठीक है तो इस वाली टर्म को जीरो होना पड़ेगा तो देखिए दिस इज इक्वल टू जीरो आर स्क्वेयर माइनस टू एस ब्रैकेट्स में एम माइनस एस में मल्टीप्लाईड तो है ही है एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हमारा मेन आई है वो कहाँ है फॉर ओमेगा तो हमने क्या किया साथ साथ में ओमेगा नॉट स्केर रेस में एस इज एम ओमेगा नॉट स्क्र इसकी बात हमने यहाँ हमने एस की वैल्यू को और यहाँ हमने एस की वैल्यू को एम ओमेगा नॉट स्क्वायर सब शूट कर दिया तो माइनस टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब एस की वैल्यू और अंदर एम माइनस फिर ये एस की वैल्यू एम ओमेगा नॉट स्क्र डिवाइड ओमेगा स्क्वायर ये इक्व टू जीरो ये सब के बाद हमने बात की इतना होने के बाद हमने यहाँ एम भी कॉमन निकाल लिया दोनों में है और ये बाहर एक एम है बाहर आके फिर ये एम स्क्वायर बन जाएगा एक और एम आने के बाद ये एम स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ क्या बचेगा वन और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा नॉट स्क्र डिजन है ओमेगा स्क्वायर ठीक है आपके पास अब वन माइनस ओमेगा नॉट स्क्र डिजन बाय ओमेगा ये किसके बराबर होगा ये जो आर स्क्वायर है ये दूसरी से चल जाएगा ये भी नेगेटिव होगा अगर मैं इसको पूरा डिराइव करने पर आऊं तो आप क्या कर रहे हो आपके पास है आर स्क्वेयर माइनस टू एम स्क्र ओमेगा नॉट स्क् वन माइनस ओमेगा नॉट स्क्ट बाई स्क्ट इज इक्वल टू जीरो तो आप क्या कीजिए आर स्क्वेयर को दूसरी साइड लीजिए या जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस आर स्क्वेयर जाएगा लेकिन माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा फिर आप क्या कीजिएगा इससे डिवाइड कर दीजिएगा इस साइड तो ओ वन माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर यह आ जाएगा हमारा मेन आई जो है वो ओमेगा के ऊपर है फिर साथ में एम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आर ये क्या होता है दैट इज क्वालिटी फैक्टर एम ओमेगा नॉट डिड बाय आर तो एम स्क्र ओमेगा नॉट बाय आर स्क्र ये क्या बन जाएगा क्यू बी वन माइनस ओमेगा नॉट स्क्र डिवाइडेड बाय ओमेगा अगर ऐसा ऐसा हो गया तो आपके पास देखिए अब ये वन माइनस ओमेगा नॉट स्क्र डिड बाई स्न बाई क्यू स्क्र तो इतना इतना होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो वन बाय टू क्यू स्क्वेयर वन बाय टू क्यू स्क्वेयर है ये वन बाय टू क्यू स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए ठीक है वन बाय टू क्यू स्क्वेयर यहाँ आया तो ये वन माइनस दिस हो गया और ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवेड बाय ओमेगा स्क्र राइट हैंड साइड में ले आइए तो ये देखो प्लस आ गया ये राइट हैंड साइड में चल गया और ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ गई क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो एम क्या है ओमेगा को देखना तो वन माइनस किसके बराबर आ जाएगा ओमेगा और ये वाली टर्म आप इधर ले आइए तो आपके पास क्या बन जाएगा और साथ साथ में अनरूट भी ले लिया आपने आपके पास क्या बना है आपके पास बना है फिर आपने क्या किया ओमेगा स्क्वायर इसको आप लेफ़्ट में ले आए हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस वन ओवर टू क्यू स्क्वायर फिर आपने रूट ले लिया तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ दिस वन माइनस वन ओवर टू क्यू स्क्वायर तो ये आपके पास एक्सप्रेशन इस तरीके से डिराइव हो जाएगा और इसको ओमेगा डबल डैश कंसिडर कर लिया तो ये वो फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर एक्सोलेशन एप्प्लीड आपके पास क्या मैक्सिमम है तो हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए तो जब ओमेगा अप्रोचिंग टूवर्ड्स तीनों केसेस अगर ग्राफिकली रिप्रजेंट किए जाए तो आपके पास ओमेगा अप्रोचिंग टूअ जीरो के लिए जो हमने बात की थी हमने कहा था एक्सोलेशन एम्पलीट्यूड ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है जब ओमेगा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमने बोला एफ नॉट बाय एम को अप्रोच करता है और जब ओमेगा इसके बराबर है तो ये मैक्सिमम है ठीक है ओमेगा डबल डैश के ऊपर एक्सेलेशन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वेरिएशन आपके पास ये आ गया है। केस नंबर वन ये केस नंबर टू और ये केस नंबर थ्री तो इस तरीके से आपने ये वेरिएशन बता दिए ग्राफिकली भी सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए बात करूं बिल्कुल वैसे ही आप डायरेक्ट कर रहे हैं ठीक है इसको आप बिल्कुल सिमिलर फैशन में कर रहे हैं जैसे यहां माइनस टू उमेगा रिसो माइनस थ्री यहां भी वैसे ही आया कॉमन भी आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही आपने प्रोसीड करना है ठीक है तो जब आप लेकिन इसमें आपने ओमेगा नॉट केयर एस बाई एम सब शूट किया है इसमें आप ओमेगा नॉट केयर वन ओर एल सी सब शूट करेंगे लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट ज़रूर है आप यहाँ जिसकी वैल्यू सब शूट कर रहे हैं दैट इज़ वन बाई सी नॉट वन ओवर एल सी वन ओवर एल सी भी कर सकते हैं आपको एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा हो जाएगा लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ जो यहाँ से चल कर आया है यहाँ अगर मैं इस c की बात करूँ राधर वन बाई सी है टू बाई सी है मैं सिर्फ इस c को कंसिडर कर रहा हूँ राधर वन बाई सी को कंसिडर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्र एल माइनस टू एज इज़ और वन बाई सी दैट इज़ ओमेगा नॉट स्क्यर एल ये एल एज इट इज़ फिर वन बाई ओमेगा स्क्यर एज इट इज़ और ये देखिए वन बाय सी ये वाला वन बाय सी इसको हम क्या सब शूट कर देंगे ओमेगा नॉट स्क्यर एल सब शूट कर देंगे तो ये सबशूशन जब हो गई देखो आपने वन बाई सी को ओमेगा नॉट स्केर एल सब यहाँ पे कर दिया तो इस सी को भी सब किया गया इसको भी सबशूट किया गया और वन बाय सी ओमेगा नॉट स्केयर अब देखिए ये एल और ये एल बाहर आ जाएगा बिल्कुल जैसे यहाँ एम बाहर आया था यहाँ एल बाहर आ जाएगा और ये एल इन टू एल एल जाएगा एल का यहाँ वन हो जाएगा क्योंकि एल बाहर जा चुका है और ये एल भी कॉमन लिया जा चुका है फिर बिल्कुल वैसे ही अगर बात की जाए ये वन माइनस ओमेगा नॉट स्केर ओमेगा स्क्यर ये क्या बन जाएगा आर स्केयर दूसरी सेट जाएगा माइनस आर स्क्यर और माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्यर बाय टू ओमेगा नॉट स्केर एल स्क्र ये टू ओमेगा नॉट्स के एल स्क्र ये डिविजन में आ जाएगा और ओमेगा नॉट एल डिड आर वो क्या है क्वालिटी फैक्टर है ठीक है क्वालिटी फैक्टर की अगर वैल्यू की बात की जाए दैट इज ओमेगा नॉट एल बाय आर तो आप ये सब शूट बाद में कर ही सकते हैं मैंने बाद में किया है नो no इशू आप पहले भी कर सकते हैं यहाँ यही इसको वन बाय टू की उसके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया था दैट कैन बी डन और ऐसे ही प्रोसीड करना तो ऐसे भी कर सकते हो लास्ट में लिखना है लास्ट में कर दो तो यहाँ भी आपके पास जो ओमेगा है दैट इज ओमेगा नॉट ठीक है टर्न्स में आएगा तो ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर वन माइनस वन ओवर टू क्यू स्क्वायर आप पहले सब शूट कर जाओगे तो ये पहले लिख जाओगे अगर बाद में सब शूट करोगे तो बाद में लिख जाओगे तो आपके पास ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय माइनस वन ओवर टू क्यू अंडर रूट यहाँ भी वही आएगा तो दिस तो इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एट विच द रियल फेजर इज मैक्सिमम तो ये क्वेश्चन फॉर्म में की बात पूछा जाता है ठीक है आपके पास जो ये ओमेगा निकल के आया है दैट इज ओमेगा नॉट डिड बाई अंडर रूट वन माइनस वन वो टू क्यू स्क्र अंडर रूट, ठीक है तो ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल के आपके पास आई ये कौन सी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर वीएल फेजर क्या है दैट इज मैक्सिमम तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये फ्रिक्वेंसी आप बताइए कि दिस इज द फ्रिक्वेंसी एटवेज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो आपको कैसे प्रोसीड करना है आपको व्हील फेजर के साथ चलना है उसके एम्पलीट्यूड की बात करनी है डिनोमिनेटर में जो टर्म आपके पास आई उसको आपने मिनिमम करना है और ये पूरा प्रोसीजर जो आपने अडॉप्ट किया ये बता के लास्ट में आपने फिर ये ओमेगा बता देना है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो एक्सोलेशन एम्पलीट्यूड और साथ में ये वोल्टेज फेजर इंडक्टर इसके वेरिएशन की बात हमने की विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स तो आज तक के लिए इतना